अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त हम रैपिड कंप्यूट के ऑफिस के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे सिस्टेक इंटरनेशनल और रैपिड कंप्यूट ने एक एमओयू साइनिंग में की है। तो हम यहाँ पे हमारे साथ शाहज़ेब साहब मौजूद हैं, शाहज़ेब खान साहब से मालूम करेंगे कि इस एमओयू का सिस्टेक इंटरनेशनल और रैपिड कंप्यूट को क्या फ़ायदा होगा और इनके कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच शाहज़ेब साहब। सर जी, क्या इस एमओयू की ज़रूरत महसूस हुई आप दोनों कंपनियों को? असल जी देखें, बैक इन 2011 जब हमने सॉफ्ट लॉन्च किया था रैपिड कंप्यूट को, तो उस वक्त तो मार्केट जो थी उस पर हम स्टडी कर रहे थे, पुश कर रहे थे मार्केट को कि आप सबसे पहले तो क्लाउड के कॉन्सेप्ट को समझें। पाकिस्तान में एक इन्फेंसी स्टेज से लेके अब जब मार्केट 2021 में खड़ी हुई है, तो व्हाट वी कैन से इज के मार्केट अब समझ रही है एग्जैक्टली कि क्लाउड की नीड क्या है। एंड दिस फेज ऑफ COVID-19 जिसमें सारा लॉकडाउन और क्वारंटीन का प्रोसेस गुजरा, उसमें हमने ये और अपना एक्नॉलेज किया कि क्लाउड सर्विसेज की नीड एग्जैक्टली है, कितनी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। जहाँ तक सिस्टेक की बात है और सिस्टेक से पार्टनरशिप की बात है, तो ऑब्वियसली एक पॉइंट था जहाँ हम सिर्फ प्लेन वनीला इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को एक्सटेंड कर रहे थे, एंड नाउ वी आर मूविंग वन स्टेप अहेड जहाँ हम एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस से ज़्यादा आगे चल के मार्केट को ये उनको जो मीनिंगफुल प्रोडक्ट्स उनके सिस्टम को इंटीग्रेट कर सकते हैं, उनके साथ उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, उनकी नीड्स को आप एड्रेस कर सकते हैं, वो हम बेसिकली सिस्टेक इंटरनेशनल के साथ आप प्रोसीड कर रहे हैं। और साइनिंग सेरेमनी के बाद जो है वो हम कोशिश करेंगे कि एक अच्छी मार्केट स्ट्रेटजी बनाई जाए और मार्केट को जो है वो उनकी नीड्स के हिसाब से प्रोडक्ट दिया जाए। कस्टमर्स को आसान अल्फाज में थोड़ा सा बताइएगा हमारे व्यूअर्स के लिए कि कस्टमर्स को क्या फ़ायदा होगा आप दोनों के मर्जर से? देखिए जी, सबसे पहले बात वही है कि आज से पहले हम दोनों जो है वो साइलोज में काम कर रहे थे, और अब आगे चल के साइनिंग सेरेमनी के बाद फोकस यही है कि इंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट जो है उसको क्लाउड सर्विसेज के ऊपर लॉन्च किया जाए। आज से पहले जब भी हम कोई ऐसा सोल्यूशन मार्केट में एक्सटेंड करते थे, तो उसके साथ हमें इंफ्रास्ट्रक्चर केपिक्स की टर्म्स में जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती थी। क्लाउड सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट होने के बाद फ़ायदा यही होगा कि आप जो है वो रिकरिंग बेसिस पे उस कॉस्ट को डिवाइड कर सकते हैं, आपको अप फ्रंट बहुत ज़्यादा केपिक्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एंड दैट्स द बेसिक स्ट्रेटजी यहाँ पर चलेगी। थैंक यू। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मुझे बताइएगा कि एमओयू तो बड़े साइन होते हैं और फिर उसके बाद जो है ना वो चीज़ें फाइलों के अंदर दब जाती हैं। आप लोग कितने दिनों में रेडी हो जाएंगे एक दूसरे के साथ इस एमओयू को फाइनलाइज करके? नहीं, इंटरेस्टिंग चीज़ यही है कि बिफोर द साइनिंग सेरेमनी वी हैव बीन वर्किंग क्लोजली विद शम्स लद्दाख साहब, और उसका फ़ायदा में यही हुआ है कि हम ऑलरेडी काफ़ी डील्स जो है वो हमारी पाइपलाइन में थी, जो हम क्लोजर की तरफ जा रहे हैं। अभी नाम तो नहीं ले सकता, डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट देन अगेन फोकस यही है कि एज सून एज दिस साइनिंग सेरेमनी गॉट डन, हमारी फोकस यही है कि हम सबसे पहले गो टू मार्केट स्ट्रेटजी बनाएं और उन डील्स को क्लोज करें। मतलब ये सुर्ख फीते के नज़र नहीं होगा इंशाल्लाह? नहीं नहीं, इंशाल्लाह हम जो है बड़ा क्लोजली काम करेंगे एंड होपफुली जो है वो मार्केट को इसका बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच हाजिर साहब। नाज़रीन, उम्मीद है कि ये एमओयू जो है वो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को और मार्केट को फ़ायदा देगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।